हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आपको। समाचार दर्शन में चिलकाना के अंदर एक प्रोग्राम था जिसमें आज राज्य मंत्री यशवंत सैनी जी मौजूद हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यहाँ पे आए आप चिलकाना में, कैसे देखते हैं, किस तरह का यहाँ का माहौल है? आज तो हम न्यू कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आए थे। मास्टर श्यामपाल जी, उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया। सभी बच्चों जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे थे उनको पुरस्कृत किया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, देखा जाए तो क्या माहौल दिखता है अब की बार चुनाव में? लोकसभा के चुनाव में माहौल पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी जय जयकार हो रही। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये जनता तय कर चुकी है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा आपकी बात 400 पार, निश्चित रूप से 400 पार होगी। और उस 400 पार में कैराना और सहारनपुर की दोनों सीटें, उत्तर प्रदेश की 80-80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। सहारनपुर लोकसभा की बात करें तो जैसे जिस तरीके देखा जाए टिकट बंटवारे को लेकर एक मंथन था, क्या अनुशासन उसी तरह से है पार्टी में? कुछ ऐसा तो नहीं है कि राघोजी को टिकट होने से कुछ? पूरी तरह से अनुशासन है, कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। सब कार्यकर्ता नेता चुनाव में एकजुटता के साथ लगे हैं। उसी का परिणाम है नेताओं के मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से राघव लखनपाल शर्मा निश्चित रूप से विजयी होंगे। यहाँ लोकसभा कैराना और सहारनपुर की जनता को समाचार दर्शन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? कैराना और सहारनपुर दोनों लोकसभाओं में इस बार जनता कमल खिलाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। 10 साल पहले यह देश दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। दुनिया की जो सबसे पिछड़े पायदान की अर्थव्यवस्था थी उनमें से भारत एक था। आज भारत दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है और अगले 5 साल में हमारा देश दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। विपक्ष का आरोप है भ्रष्टाचार को लेकर, उसमें कैसे देखते हैं, क्या उस आरोप को आप कैसे देखते हैं? छाए तो बोले बोले छलनी बोले, जिनके नेता जेल में, जिनके मंत्री रहते हुए मंत्री जेल में, कोई मुख्यमंत्री जेल में, वो लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे नरेंद्र मोदी के ऊपर। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसी के ऊपर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के अंदर भी पूरी ईमानदारी के साथ काम किया गया है और हमारी सरकार पूरी एक तरह से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का काम कर रही है। पेपर लीक हुआ था जिससे पुलिस भर्ती वो रद्द हो गई थी, उसके ऊपर कह रहे हैं कि चुनाव के बाद भर्ती होगी, ये एक चुनाव का प्रोपेगेंडा है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसी उत्तर प्रदेश में भर्तियां ठेके पर होती थी, भर्तियों में खुलेआम भ्रष्टाचार होता था। 7 साल पहले 7 वर्षों में व्यवस्था को सुधारने का काम किया गया। एक भी भर्ती में कहीं एक भी भ्रष्टाचार का मामला उजागर नहीं हुआ। 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है। पर्चा लीक या फिर कोई ऐसी स्थिति आई तो तुरंत उस भर्ती को भी निरस्त करके फिर भर्ती कराने का निर्णय सरकार ने लिया है और फिर ही भर्ती होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे साथ राज्य मंत्री यशवंत सैनी जी मौजूद थे, लगातार उन्होंने लोकसभा चुनाव के बारे में पूरी जानकारी दी। लगातार हम आपको जनहित की रिपोर्ट दिखाते हैं। आज चिलकाना में मौजूद है, यहाँ पे नवजोदय इंटर कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें हम मौजूद थे। देखते रहे हमारे साथ समाचार दर्शन।